नॉर्मल बर्फी आपने बनते हुए बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे डोडा बर्फी की मेकिंग। पहलवानों के लिए इन्वेंट की गई ये बर्फी दिखने में तो नॉर्मल ही होती है, लेकिन इसको बनाने का तरीका होता है बिल्कुल ही यूनिक, और इसे बनाने में लगती है बेहिसाब मेहनत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आटा लाया जा रहा है, आटा डाला जाएगा अपना कढ़ाई के अंदर। एक कढ़ाई के अंदर 10.5 किलो आटा डाला गया है। ये डोडे की समनक डाली जा रही है। अच्छा, जो अंकुरित गेहूं की होती है, तो अंकुरित गेहूं को मोटा पीसा होता है, वो डाला गया। अब ये मिलाया जा रहा है इसके अंदर। अब आटा और समनक मिलाने के बाद इसमें दूध डाला जा रहा है। ये जो अपना आटा और समनक है, इसमें 12-12 किलो दूध डाला जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स किया जाएगा। पहले दूध डालने के बाद अब देखिए आटा और समनक जो है उसे बहुत अच्छे से मिलाया जा रहा है। थोड़ा सा इसे मिलने के बाद देखिए इसमें और दूध डाला जा रहा है। अब तो टोटल 20-20 किलो दूध डाला जा चुका है दोनों कढ़ाइयों में, और इसमें जो अपना गेहूं का आटा और समनक है उसे अच्छे से मिला लिया गया है। ये सब मिलाने के बाद देखिए इसमें दूध डाला जा रहा है, और दोनों ही कढ़ाइयों में 50-50 लीटर दूध डाला जा रहा है। 50-50 लीटर दूध डाल दिया गया कढ़ाइयों में, और अब इसके बाद 50-50 लीटर फिर से डाला जा रहा है। 15 मिनट हो चुके हैं गाइस पकते पकते दूध को, और अब इसके अंदर देखिए और दूध डाला जा रहा है। 12 लीटर दूध पहले वाली कढ़ाई में डाला जा चुका है, और अब देखिए दूसरे वाली कढ़ाई में भी 12 लीटर दूध डाला जा रहा है। फिर से कोई 45 मिनट ये दूध और गेहूं का आटा समनक इसमें पके हैं, और अब जाके देखिए इसमें दाना आने लगा है उबाल आने के बाद। और अभी भैया 4 घंटे पके गए, आधा घंटा और हो चुका है पकते पकते। दाने आप देखिए इसमें और मोटे हो चुके हैं, और पलटना लगातार चल रहा है। देखिए दोनों कढ़ाइयों में अकेले दोनों हाथों से काम चल रहा है एक ही साथ। पहले वाले भैया हट चुके हैं, दूसरे वाले भैया आ गए हैं। अब ये लगातार इसमें दोनों कढ़ाइयों में एक साथ पलटना चला रहे हैं। आंच धीमी है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से खोल रहा है ये, क्योंकि कंटिन्यूअस पिछले 2-2.5 घंटे से आंच के ऊपर है। तो इसी तरीके से पकते पकते सारा दूध इसमें सूख जाएगा। अभी पकते पकते इसे 1 घंटा और हो चुका है, देखिए दूध इसमें ज्यादातर सूख चुका है, और अब इसके अंदर चीनी डाली जाएगी। ये देखिए चीनी आ गई है, और भैया कितनी चीनी डाली जा रही है इसमें, 30 किलो चीनी। तो एक कढ़ाई में 30 किलो चीनी जाएगी। 1 घंटा और हो चुका है इसे पकते पकते। अब देखिए पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है। अब भैया इसमें अब क्या किया जाएगा, अब सारा इकट्ठा किया जाएगा। अब दोनों कढ़ाइयों का माल अपना एक कढ़ाई में किया जाएगा, सारा एक जगह लाया जाएगा। देखिए भैया टोटल कितना हो जाएगा अभी अपना, 3 क्विंटल। तो गाइस टोटल 3 क्विंटल डोडा बर्फी तैयार होगी बनके अपनी। सारा माल अपना एक कढ़ाई में आ चुका है भैया, यहाँ पे पकाई जाएगी। अब ये आप छोटी कढ़ाई में पकाएंगे इसे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके पकाया जाएगा इसको। तो भैया सारा एक साथ क्यों नहीं पकाया जाता, थोड़ा थोड़ा करके क्यों पकाएंगे, जिससे दाना और बढ़िया है। अभी तक इसको धीमी आंच पर पकाया गया है, लेकिन छोटे वाली कढ़ाई में लाने के बाद देखिए अब इसको फुल आंच पर पकाया जा रहा है, और आप रंग देख सकते हैं, रंग बदलने लगा है इसका, डार्क होने लगा है कलर। अभी भी कोई आधे घंटे पकेगा, उसके बाद इसमें घी डाला जाएगा। कोई 20 मिनट हो चुकी है इसे पकते पकते, और आप कलर देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है अब। मतलब पहले ये वाला कलर था, कोई 3-4 घंटे पकने पर तो ये कलर आया है, और अब देखिए छोटी कढ़ाई में तेज आंच पर पकने से कैसा कलर हो चुका है इसका। अब ये ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डाला जा रहा है देसी घी। भैया घी कितना डाला जाएगा इसमें, 1 किलो घी डालेगा, और अब ये इसके ऊपर डाला जा रहा है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के बाद इसमें काजू डाले जा रहे हैं। भैया कितना काजू है ये, 1 किलो काजू, और काजू के बाद अब इसमें गोला डाला गया है, गोला भैया 1 किलो। अब गोला काजू घी डालने के बाद ये सारी चीजें मिलाई जाएंगी। तो भैया हो गई तैयार, अब फाइनली अपनी जो डोडा बर्फी है तैयार हो चुकी है। अब इसे कढ़ाई को नीचे उतार लिया गया है, अब इसे बाहर निकाला जा रहा है ट्रे के अंदर, और ये भी मेजर करके निकाला जाएगा। भैया कितना वजन आएगा एक ट्रे में, 4 किलो। ये 4 किलो डोडा बर्फी आ चुकी है ट्रे में, अब इसे फैलाया जा रहा है। ट्रे में फैलाने के बाद इसके ऊपर डाले जा रहे हैं बादाम। तो अगर आपको पहले ड्राई फ्रूट्स कम लगे थे, ऊपर से भी डाले जा रहे हैं। पहले वाली कढ़ाई में सारा डोडा अपने ट्रे में लगाया जा चुका है, और 1 घंटा हो चुका है, और आप देखिए इसे काटा जा रहा है। भैया प्राइस कितना रहता है अपने डोडा का, 480 रुपए किलो। अब ये देखिए इसके पीस निकाले जा रहे हैं, और यहाँ से ट्रे में रख के पहुंचाया जाएगा शॉप पर। वहां पे लेते हैं इसको, आपको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। मीठा परफेक्ट है, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, उनका क्रंच आ रहा है, और इतनी देर तक पकाई गई है, समनक डाल के बनी है, तो बहुत ही स्टिकी फजी सा टेक्सचर है इसके अंदर। आप एक बाइट ले लीजिए, आपसे रुका नहीं जाएगा, 3-4 पीस आपको खाने पड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और डोडा बर्फी आपको हर जगह मिल जाएगी दिल्ली NCR में, लेकिन ये मेरी खाई हुई दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट डोडा बर्फी है। और अगर आपको ये खानी है, आप इसके लिए आइए गाजियाबाद शगुन स्वीट्स पर, जो कि अंबेडकर रोड पर लोकेटेड है, और आप पूरे इंडिया में इसे मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर ही डिलीवरी करते हैं। नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा जहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 480 रुपए किलो है, गजब का स्वाद है, मंगा लीजिए, खा लीजिए, आपको अपने आप मजा आ जाएगा। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।